गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह क्या होता है, मेरे फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं गुड मॉर्निंग फेस टू फेस नहीं करती हूँ. और आज हमारी मॉर्निंग थी 11 बजे, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था. मुझे लगा आज थोड़ा सा हैवी खाना है, तो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लेंगे तो वो ब्रंच हो जाता है. और ये मेरी लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी आलू टमाटर की, और इसके साथ मैंने मिर्च का अचार भी बनाया था. तो रोहन तो 11 बजे ही उठता है, और लेकिन मैं उठ गई थी 8:30-9 बजे तक, बट फिर भी हमने कहा साथ में ही खाएंगे. तो और वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है, तो बस मैंने कहा एक साथ ब्रेकफास्ट कुछ तो स्किप करें, लंच स्किप नहीं कर सकते, तो ब्रेकफास्ट तो स्किप कर ही सकते हैं. तो ये मेरा था ब्रेकफास्ट. और इनको भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है, पूड़ी रोटी ब्रेड. ब्रेड उतनी पसंद नहीं करते हैं, बट हाँ अगर बिस्किट भी इनको बड़ा अच्छा लगता है, और ये पानी में डिप करके खाते हैं, देख के बड़ा मज़ा आता है. ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वॉक के लिए निकली और बारिश पहले ही हो गई है ना. आई होप, फिंगर क्रॉस, बारिश रुक जाए. जा पाई, क्योंकि कल भी नहीं जा पाई थी मैं वॉक पे, और मुझे लगता है बारिश रुक गई है. जो देख रहा होगा मुझे, उसे उसे यही लग रहा होगा कि भैया कितना ज़्यादा ये वॉक करती हैं, लेकिन वाकई ये मतलब मैं अकेली थी पार्क में, और मज़ा भी बहुत आ रहा था. यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी, और पार्क में आज कोई भी एक दो लोग ही थे बस. चैलेंज करोगे रोहन? क्या चीज़? हाँ, क्या चीज़? बबल गम वाला. क्या बबल गम? बलून फुलाने वाला. अच्छा, हाँ ठीक है. कौन सी बोलेगी चिंगम? मैंने उसको यही बोला था कि जिसमें ना वो हो जाए. हाँ, तो उसने मुझे तो ट्रिक बता दी है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैं लाई हूँ ना, उसी को मिलेगा जो जीतेगा. दोनों मेरे होंगे अगर हाँ? मैं जीता तो तुम्हें लगता तो अभी आपने बोला एक एक है. वैसे मैं हारने झूठ बोल रही हूँ. नहीं 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 हारने वाले को मैं वो डिप्रिसिएशन गिफ्ट दूंगी ना. अच्छा अच्छा हाँ, हारने वाले को भी तो गिफ्ट मिलना चाहिए. तो पिचक गई तो क्या हुआ? रोहन, दोनों ओपन करो और दोनों साथ में खाएंगे. कंपेटिटर हो आप मेरी. मैं तो क्या हुआ, तो फिर जो पहले खाएगा वो हार जाएगा. साथ में खाना यार, ये पिचकी हुई है. देखो देखें, निकाल लो ना. देखें देखें, 3-2. मिलते हैं कितने मिनट बाद? 5 मैं हो जाएगा. 2 मिनट में. 2 मिनट के बाद मिलते हैं. रूल तो एक्सप्लेन करो मम्मी. जिसका मतलब क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बड़ा होगा. सरफेस एरिया बड़ा होगा वो जीतेगा, और उसको मिलेगा चिप्स और वो. अबे आपने बोला हारने वाले को भी मिल जाएगा. हाँ, हारने वाले को डिप्रिसिएशन गिफ्ट मिलेगा, और कि वो दिन दुखी ना हो जाए. हाँ, और जीतने वाले को एप्रिसिएशन गिफ्ट. चलो कोई नहीं, है ना, हम तो इक्वालिटी पे है ना. फाइनल क्या हुआ फिर? चलो 10 रुपए देना मुझे. जो खेलेगा नहीं उसको मिलेगा ही नहीं. बट ट्रायल ले सकते हैं. अच्छा, डायरेक्ट पहला ही बलून जो उगाना है. ये चीटिंग है यार. आप रेडी हो? उसे मुझे ट्रिक बताइए, पता है शॉपकीपर ने क्या बताई? थोड़ा सा आइडिया तो दो, बताओ ना. गिफ्ट तो दोनों के लिए. बहुत टाइम से आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई करो एक बार. आपको एक फ्री चांस दे रहा हूँ. चलो तो मैं तुम्हें भी देती हूँ. चलो तुम भी करो. हजाना मत, दूर रखो थोड़ा. फूटा निकला. आप से बड़ा निकला मेरा. नर्वस मत करो मेरे यार. क्या ये ट्राई नहीं माना जाए? ठीक. फोकस देख लो भाई. चीटिंग देख लो. हाथ लगाया है इन्होंने. आए आए, अब भी ना जीत पाई ना अम्मा, शर्म है. रोहन तुम जीत गए वैसे ना. पता नहीं, पता है तो बनी नहीं रहा था. नहीं, एक्चुअली क्या है
पापा एक बात कहते थे, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अच्छा। तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया कि चलो ठीक है तुम जीत जाओ, क्योंकि मैं बड़प्पन दिखा दिया हमने, मैं डिप्रिसिएशन गिफ्ट ले लेती हूँ, है ना। बात तो चीज गिफ्ट की है देखो, है ना, सही बात। और दो लोगों में एक फर्स्ट एक लास्ट तो सेम तो गिफ्ट मिल रहा है, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं ऐसा करते हैं ना, दोनों पैकेट मैं ले लेता हूँ चिप्स के, आप जीरा सोडा पियो बस। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, समझ रहे हो, चाय पियेंगे चिप्स खाएंगे। और क्या बारिश में भीगी आप? नहीं नहीं मैं गई थी, पता थोड़ी देर बारिश हुई फिर अपने आप जल्दी रुक गई थी, पांच मिनट रुक गई थी जब मैं गई थी। मैं तो फोन एक्टिव की डिक्की में डाल के। अरे एक नानी ने गिफ्ट भिजवाया, दिखाऊं क्या? तो पैसे दिए थे क्या के लिए गिफ्ट भिजवाए? नहीं मौसी को पैसे दिए थे क्योंकि वो ऑनलाइन मंगवा नहीं सकती थी, तो मौसी ने मुझे बोला था कार्ट में डाल दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, है ना। अच्छा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन सी थी तू मौसी? मतलब गिफ्ट तो नानी के थ्रू ही है, अच्छा है, ये वाला सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है। सीरियसली मैं तो खैर ग्रीन हाउस में रहा हूँ ना हमेशा से, तो मेरी तो प्रेफरेंस है ग्रीन हाउस। और ये दिखाओ, ये भी अच्छा लग रहा है। हम्म, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आपको जो पसंद आए वो नानी ने दिलवा दी एक तरह से? दोनों ने ही, नानी ने दिलवाए। नहीं तो आप पसंद तो आपकी थी। हाँ नानी ने कहा कि मतलब ठीक है पैसा मैं पे कर रही हूं, और ये इसका पैंट है। इसकी पैंट नहीं आई, अच्छे लग रहे हैं दोनों। नानी का गिफ्ट ठीक है, अब मैं जीता तो मैं, विनर आप कैसे बन गई? मैंने हार स्वीकार कर ली ग्रेसफुली, और दो सूट मिल गए आपको, ये तो चीट है। कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? इसका ग्रीन मुझे, हाँ दोनों काफी वैसे है ना, ये मतलब कैजुअल वेयर टाइप है और ये बहुत ग्रेसफुल लग रहा है ना। तो मैगी तो अब उसे बहुत बोर हो चुका है मैगी से, तो वो ये पे खाता है। और ये मैंने चीकू मीकू के लिए ये सीड्स निकाल दिए थे मेलन के, और मैं अपने लिए बना रही थी पनीर। तो पनीर में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी डाल के पनीर को अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। और ये मैंने अभी आज से ही शुरू किया, आज फर्स्ट डे है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा डाइट कंट्रोल में आना चाहिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ये चीज़ें ऐड कर दी थी, क्योंकि और रात में मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, तो चाय के साथ थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है। तो बस, और मैं आज ट्राई कर रही थी कि देखिए ये सीड्स खाते हैं या मैगी खाते हैं, क्या देखना ये क्या खाता है। देखो पहले गया उसी के लिए था, उसको पता लगा यिप्पी है तो नहीं खा रहा है ना। उसको यिप्पी नहीं पसंद है, नहीं खाएंगे वो, नहीं खाएंगे वो, नहीं खाएंगे यिप्पी, उसको पसंद ही नहीं है। यिप्पी निकाल लो। हाँ अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों शाउट कर रहे हैं? इनको वो नहीं पसंद है, कोई काटोगे तुम? किस चीज के? मेलन के चीज है ना, बहुत पसंद है। भूख लगी है, चलो डिस्टर्ब नहीं करते। तो आज हम लोग एक्चुअली बहुत सालों के बाद मैं ट्रिंगम खा रही हूँ, कल भी कल खाई थी इन्होंने, हम लोगों से हुआ नहीं है चैलेंज कल भी, तो हमने डिसाइड किया कि आज फिर से करेंगे। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि बचपन में हम लोग ना एक दूसरे के मतलब सामने फोड़ते थे इंसल्ट करने के लिए, है ना। और मैं कल बिल्कुल ही ब्लो नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं एक बार और ट्राई कर सकते हैं ना। आज फिर आ जाओगे मुझसे, क्या फर्क? एक्चुअली पापा के चक्कर में ना मैंने कितने 17-18 साल से बबल गम खाए नहीं। पापा के चक्कर में क्यों? पापा बोलते हैं ना ये जॉस चौड़े हो जाते हैं अगर आप बबल गम खाते होते हैं क्या? तो मैंने फिर खाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी इतना पतला है ना। हाँ। फिर वो और पतला हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे जब मम्मी रेडी होंगी फुलाने को। डन डन डन। अगर रोहन तुम्हारा चैलेंज जीत गए ना, तो कल तुम्हारा फेवरेट खाना बनेगा। क्या दिखा रही हूँ? राजमा चावल। हाँ। नहीं तो तुम ब्रेड बटर खाओगे जो तुम्हें सबसे लीस्ट पसंद है। ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट, लंच, लंच में उसकी सैंडविच बना दूंगी मैं। ना 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 ना। हाँ जीतना पड़ेगा फिर तो।
तो फ्रेंड्स मैंने व्लॉग इसलिए डिले किया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल हार ही गई हूँ मैं। हाँ तो जनरेशन का मुझे लगता है असर होता है ना रोहन, इसमें क्या मतलब है और क्या, मैंने ज्यादा आपसे मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब तुम रेगुलर प्रैक्टिस में हो ना। रेगुलर प्रैक्टिस क्या होता है, मैं मतलब क्यों, अभी हम हरिद्वार गए थे तो तुमने क्या लिया था, च्युइंगम का पैकेट लिया था ना, कैसे डांट क्यों रही हो। हाँ तो मैं तो खा ही नहीं रही हूँ, सत्रह साल से खा ही नहीं रहा है। और देखो मम्मी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, रोने में कोई फायदा नहीं है। हाँ। चलो कल राजमा चावल बनेगा, बात वो एंड की, ठीक है डन, तो मिलते हैं बस। चलिए अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।